और आप हेडिंग लिखिए चैप्टर नंबर सत्रह, तीन पन्ने छोड़ने के बाद में आप हेडिंग लिखें चैप्टर नंबर सत्रह। देखिए ध्यान से सब बोर्ड पर समझे, पहले चैप्टर तीन हिस्सों में है। पहले हिस्से में विद्युत चुंबकीय तरंग है, दूसरे हिस्से में संचार व्यवस्था है, और तीसरे हिस्से में है नैनो तकनीकी। मतलब तीन भाग है चैप्टर के, एक भाग इस साल हटा दिया गया है नैनो तकनीकी, ठीक है ना। अपन स्टार्ट करेंगे पहले संचार वाला भाग, और इसमें सबसे पहली हेडिंग अपन पढ़ेंगे संचार व्यवस्था। क्या नाम है टॉपिक का? संचार व्यवस्था। अब जो ये शब्द आया है ना संचार, संचार का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? तो संचार शब्द का अर्थ क्या होता है कि मैं, मेरी बात सुनेंगे आप ध्यान से, मैं कुछ सूचनाओं को आप तक पहुंचा रहा हूं ना, ये संचार है। अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आप सुन पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, ऑडियो भी है, वीडियो भी, एक तरीके से ये कम्युनिकेशन है। अभी हम फोन पर बात करें, मैं किसी मेरे मित्र से फोन पर बात कर रहा हूं, तो केवल ऑडियो जा रहा है एक तरीके से, हो तो कम्युनिकेशन ही रहा है ना। बोल के भी हो सकता है, चित्रों के माध्यम से भी हो सकता है, इशारे इशारे भी हो सकता है, कोई चीज़ का इशारा करते गर्दन लाते हैं अपन, तो इशारे तो कर रहे हैं अपन तरीके से, ये भी क्या है? कम्युनिकेशन है। कई तरीके हो सकते हैं इसके, सिस्टम छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है। संचार शब्द का केवल इतना अर्थ है कि किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, भेजना, क्या कहलाता है? संचार। और इसके लिए जो व्यवस्था काम में ली होगी आपने, मान लो मैं मोबाइल का उपयोग कर रहा हूँ, तो मोबाइल टावर, सेटेलाइट, जिसको फ़ोन किया है उसका नज़दीकी टावर, उसका मोबाइल, ये सब क्या कहलाएगा? संचार व्यवस्था। संचार के लिए काम में ली जाने वाली व्यवस्था क्या कहलाती है? संचार व्यवस्था। बात समझ में आई ना? तो संचार व्यवस्था की परिभाषा को समझ में आ गई होगी कि किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना संचार कहलाता है, और इसके लिए काम में ली जाने वाली व्यवस्था। संचार व्यवस्था के तीन मुख्य भाग होते हैं भाई। पहला जो भाग है उसका नाम है प्रेषित्र। पहला जो भाग है इसका नाम क्या है? प्रेषित्र। दूसरा जो भाग है इसका नाम है माध्यम या फिर चैनल। और जो तीसरा भाग है इसका नाम है अभिग्राही। क्या नाम है? अभिग्राही। तो संचार व्यवस्था के कितने मुख्य अंग हैं? कौन कौन सा? प्रेषित्र, माध्यम या फिर अभिग्राही, चैनल, अभिग्राही कुछ बोल दीजिए। प्रेषित्र, माध्यम या चैनल एक ही बात है, और तीसरा कौन सा है? अभिग्राही। नाम समझो, प्रेषित्र का मतलब क्या होगा? भेजने वाला। बिल्कुल, ये सूचना लेगा, जैसे मेरा मोबाइल है, सपोज मैं कॉल कर रहा हूँ तो मेरा मोबाइल मुझसे सूचना ले रहा है और माध्यम को सौंप रहा है, हाँ है ना। अरे मोबाइल ने क्या किया होगा? मैंने हेलो बोला तो हेलो ध्वनि संकेत था, इसने इसको विद्युत संकेतों में चेंज किया होगा। पहले तो एक डिवाइस होती है इसके अंदर, उसका नाम है ट्रांसड्यूसर। क्या नाम है? वो ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलती है। अब वो विद्युत संकेत इसने टावर को दिए होंगे, फिर टावर से वो सैटेलाइट तक गए होंगे, फिर जहाँ कॉल लगाया है वहाँ नज़दीकी टावर तक गए होंगे, फिर नज़दीकी टावर से उस व्यक्ति के मोबाइल तक गए होंगे, फिर उसके मोबाइल इस सिग्नल को ग्रहण करके आवाज़ बनाई होगी और आवाज़ उस व्यक्ति को सुनाई गई होगी, हाँ है ना। मतलब कौन कौन से घटनाचक्र होंगे देखना। सबसे पहले तो आया होगा सूचना स्रोत। कौन आया होगा? सूचना स्रोत। जैसे कि मैं अगर किसी व्यक्ति को कॉल कर रहा हूं तो मैं उसमें क्या बन गया? सूचना स्रोत। सूचना मैं ही तो दूंगा,
ठीक है। फिर मेरा मोबाइल किसका काम कर रहा होगा, प्रेषित्र का, थोड़ा बड़ा बना, प्रेषित्र का काम करेगा कौन, मेरा मोबाइल। तो जो सूचना स्रोत है उससे सूचना जाएगी, अरे समझ पा रहे हो आप, यहां मैं तो हो गया सूचना स्रोत, जो भी मैं फोन पर बोलूंगा वो क्या हो गई, सूचना। मेरे मोबाइल में गई होगी सूचना, मेरे मोबाइल ने क्या किया होगा बताओ, पहले तो संकेतों में चेंज किया होगा, तो इनका नाम हो गया प्रेषित्र सिग्नल, प्रेषित्र सिग्नल। ये समझ में आया कि नहीं आया? फिर ऐसे प्रेषित्र ने किसको दिया होगा साहब, माध्यम को, या माध्यम का एक नाम और बना सकते हो क्या, चैनल। अरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैं हूँ, मैंने कुछ बोला वो सूचना हो गई, मेरा मोबाइल प्रेषित्र हो गया, मेरे मोबाइल ने सूचना को संकेतों में कन्वर्ट किया होगा, वो संकेत किसने दिए, टावर को, सेटेलाइट को, फिर उस जहाँ कॉल लगाया उस नज़दीकी टावर को, ये पूरा सिस्टम किस में आ गया, माध्यम में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब क्या होगा, प्रेषित्र नहीं अभिग्राही, प्रेषित्र काम हो गया ना, सूचना स्रोत से सूचना ली, सिग्नलों में बदली और माध्यम को सौंप दी। माध्यम का काम क्या था, प्रेषित्र से लिया अभिग्राही को दिया, सिग्नल ही है ना, क्या सूचना में बदल दिया होगा इसने ना। जैसा समझो आप, मुझे कॉल आ रहा है, मुझे कोई कॉल आ रहा है, तो अब मेरा मोबाइल किसका काम करेगा, अभिग्राही का, किसका काम करेगा, अभिग्राही का। समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो जो सिग्नल माध्यम से अभिग्राही की ओर जाएंगे उनको आप नाम दे दो अभिग्राही सिग्नल, है तो सिग्नल ही ना, प्रेषित्र ने माध्यम को दिया तो ये प्रेषित सिग्नल था, और माध्यम ने अभिग्राही को दिया तो ये अभिग्राही सिग्नल है। अब अभिग्राही क्या करेगा, सिग्नलों को ग्रहण करेगा, सूचना में कन्वर्ट करेगा। क्या मैं सिग्नल सुन सकता हूँ क्या, आवाज़ सुनूंगा ना मैं तो ये वापस से अभिग्राही क्या बनाएगा, सूचना, हाँ या ना, और ये देगा किसको, ऐसा ही चिन्ह बनाया है, सूचना स्रोत था ये तो, उपयोगकर्ता, यूजर। अरे कुछ खेल समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल मोबाइल का एग्जांपल लेके देखो, पूरा खेल समझ में आ जाएगा। हेडिंग पढ़ रहे हैं, संचार व्यवस्था, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना संचार कहलाता है। काम में ली गई व्यवस्था संचार व्यवस्था कहलाती है। संचार व्यवस्था के तीन मुख्य भाग हैं, प्रेषित्र, माध्यम, अभिग्राही। प्रेषित्र का काम क्या दिख रहा है, ये ब्लॉक आरेख समझ में आया कि नहीं आया? एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है ये, इसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख। क्या बोलते हो आप इस चीज को, संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख। सबसे पहले कौन आया, सूचना स्रोत, उससे सूचना गई प्रेषित्र में, फिर प्रेषित सिग्नल गए माध्यम में, फिर अभिग्राही सिग्नल गए अभिग्राही में, फिर सूचना उपयोगकर्ता में। आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि आपने अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया, नंबर डायल किया, और उधर से आवाज़ किसी और की आ रही है, कभी नहीं हुआ ऐसा? आपने अपने दोस्त को मिलाया, पता चला उधर से किसी लड़की की आवाज़ आ रही है, आप बड़े ध्यान सुनते हो बहुत देर तक, कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, पता लगा कि कभी कभी कॉल उठता भी नहीं है हमारा, शायद उससे पहले आवाज़ आ जाती है, कभी नहीं हुआ आपके साथ ऐसा? सुनिए सुनिए, जिस समय आप कॉल कर रहे हो उस समय करोड़ों कॉल हुए होंगे क्या, उस जिस समय आप कॉल करते हो कि पूरी दुनिया रुक जाती है, अरबों खरबों कॉल हुए होंगे शायद, करोड़ भी कम कह रहा हूँ मैं, अरबों खरबों कॉल हुए होंगे ना, तो जिस आवृत्ति में हमारा संकेत गया, हो सकता है ऐसा, रोज़ तो होता नहीं है, आपने फ़ोन किया और कहीं और जाके मिल गया किसी और से, ऐसा कभी कभार आपने फ़ोन किया, आपकी जो फ्रिक्वेंसी गई अगर उतनी ही फ्रिक्वेंसी सपोज किसी और सिग्नल की हुई तो आपके सिग्नल मतलब क्रॉस हो जाता है एक तरीके से, कहीं का टावर कहीं मिल जाता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं शोर। क्या बोलते हैं साहब उस चीज़ को, शोर।
शोर क्या होता है, नॉइस क्या होता है सर? अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आवाज कर रहा हूं खूब, क्या ये शोर है? क्या मैं शोर कर रहा हूं? ना। अभी मैं पढ़ा रहा हूं और आप बात कर रहे हो, तो क्या आप शोर कर रहे हो? ऐसा कैसे? मतलब मेरा शोर शोर नहीं और आपका शोर शोर? वो एक चल रहा है ना, क्या बोलते हैं कि थोड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता। भाई शोर शोर दोनों का ही होना चाहिए था ना। सुनो सुनो मेरे पास, देखो अपन यहां आए पढ़ने, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, काम की चीज बता रहा हूं, इसलिए शोर नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप फालतू की बात कर रहे हो, अनावश्यक आवाज जो होगी वो क्या है? शोर। अगर आप मुझसे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो शोर की कैटेगरी में नहीं आएगा। शोर की परिभाषा है अवांछनीय संकेत। क्या परिभाषा है? जब सूचना माध्यम में होकर चलती है तो उसमें कुछ अनडिजायर्ड फ्रिक्वेंसी अवांछनीय सिग्नल मिक्स हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? शोर। सड़क पर होकर कोई आवाज़ करता हुआ जा रहा है, हम उसकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं पर साधन हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो साधन की आवाज़ क्या है फिर हमारे लिए? शोर। ये पूरा एक नंबर क्वेश्चन तैयार होता है, संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको समझ में आ गई ना? संचार व्यवस्था काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गई होगी। सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना संचार कहलाता है। काम में ली गई व्यवस्था तीन मुख्य भाग हैं, प्रेषित्र, माध्यम, अभिग्राही। लाली यहाँ ध्यान रखना, प्रेषित्र का काम सूचना स्रोत से सूचना प्राप्त करता है, सिग्नलों में बदलता है और माध्यम को सौंपता है। माध्यम का काम प्रेषित्र से लिया, अभिग्राही को दिया, हाँ या ना? और अभिग्राही का काम माध्यम से सिग्नल ग्रहण कर सूचना में बदलकर उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है, हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? इसके बाद में हेडिंग आती है, पहले समझ लो पूरा फिर एक साथ नोट कर लेंगे। संचार की विधियां कि हम कितने तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। संचार को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन, मेथड या मोड ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हैं इस चीज को। सुनना भाई बहुत ध्यान से, दो विधियां हैं, पहले मैं नाम लिख दूं दोनों विधि के तब आपको समझ में आएगा। पहली विधि तो होगी बिंदु से बिंदु संचार। क्या नाम है पहली विधि का? बिंदु से बिंदु संचार। और जो दूसरी विधि होगी उसका नाम है प्रसारण विधि। क्या नाम है? संचार की दो विधियां हैं और दोनों विधि से कुछ मतलब समझ में आया आपको? बिंदु से बिंदु मतलब पॉइंट टू पॉइंट इंग्लिश में बोलते हैं इस बात को, और प्रसारण को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है। तो बिंदु से बिंदु संचार मतलब, बिंदु से बिंदु मतलब प्रेषित्र भी एक होना चाहिए और अभिग्राही भी एक होना चाहिए। बिंदु से बिंदु, एक भेजने वाला एक ग्रहण करने वाला, और प्रसारण का मतलब भेजने वाला एक और ग्रहण करने वाले अनेक। समझ में आया? प्रसारण की दो विधियां हैं, बिंदु से बिंदु संचार। परिभाषा लिखा दूंगा कि इसमें एकल प्रेषित्र और एकल अभिग्राही होता है, और प्रसारण में एकल प्रेषित्र और कौन सा कम्युनिकेशन अपने बीच? ब्रॉडकास्टिंग। प्रेषित्र मैं हूं और अभिग्राही बहुत सारे। कार्यक्रम का प्रसारण, टीवी पर कोई कार्यक्रम आ रहा है, कोई पिक्चर आ रही है, तो भेजने वाला तो एक जगह ही है। अरे जिस चैनल पर पिक्चर आ रही होगी वो तो कहीं एक जगह ही है ना चैनल, तो उसका सिस्टम, और उसको ग्रहण करने वाले कितने? ब्रॉडकास्टिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ 2016 में आया शायद, बिंदु से बिंदु संचार का एक उदाहरण दीजिए, मोबाइल। अब आपको सब कॉन्फ्रेंस कॉल लगा रखा है, हमने स्पीकर खोल रखा है, वो सारी बातें बेकार है। बिंदु से बिंदु संचार का उदाहरण होगा टेलीफोन पर दो व्यक्तियों के मध्य बातचीत। टेलीफोन पर दो व्यक्तियों के मध्य
किसका उदाहरण है? बिंदु से बिंदु संचार, हाँ है ना। एक बार यहां तक नोट करें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बिना आवाज करे बिल्कुल शांत होकर हेडिंग लिखें, संचार व्यवस्था। दो तीन पन्ने छोड़ देना भाई ना, प्रवर्धक लास्ट मिलेंगे, बिल्कुल प्रवर्धक पढ़ाएंगे भाई अभी। आप हेडिंग लिखें संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं, आग लिखिए इसको। किसी सूचना या संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना संचार कहलाता है। किसी सूचना या संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना संचार कहलाता है। किसी सूचना या संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना संचार कहलाता है तथा इसके लिए काम ली गई व्यवस्था संचार व्यवस्था कहलाती है। सूचना संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना संचार कहलाता है तथा इसके लिए काम ली गई व्यवस्था संचार व्यवस्था कहलाती है। लाइन चेंज करिए। संचार व्यवस्था के मुख्यतः निम्न तीन भाग होते हैं। संचार व्यवस्था के मुख्यतः निम्न तीन भाग होते हैं। एक नंबर लगाओ हेडिंग प्रेषित्र। संचार व्यवस्था के निम्न तीन भाग होते हैं। एक नंबर लिखिए हेडिंग प्रेषित्र। प्रेषित्र में लिखो इसका कार्य सूचना स्रोत से प्राप्त सूचना को सूचना स्रोत से प्राप्त सूचना को सिग्नलों में परिवर्तित करके माध्यम को सौंपना है। इसका कार्य सूचना स्रोत से प्राप्त सूचना को सिग्नलों में परिवर्तित करके माध्यम को सौंपना है। नंबर दो, माध्यम या चैनल दूसरा है। माध्यम या चैनल देखो यह है प्रेषित्र व अभिग्राही के मध्य की कड़ी है। कड़ी समझे आप, जोड़ने वाला, वो खाने वाली कड़ी नहीं। प्रेषित्र और अभिग्राही के मध्य की कड़ी है जिसमें सिग्नल प्रसारित होता है।
नंबर तीन अभिग्राही, तीसरा नंबर अभिग्राही, अभिग्राही में क्या लिखोगे? इसका कार्य माध्यम से प्राप्त सिग्नलों को, इसका कार्य माध्यम से प्राप्त सिग्नलों को सूचना में परिवर्तित कर, माध्यम से प्राप्त सिग्नलों को सूचना में परिवर्तित कर उपयोगकर्ता तक पहुंचाना है। उपयोगकर्ता तक पहुंचाना है, क्लियर है? हेडिंग लिखिए आप नेक्स्ट, संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख, संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख। और ये वाला बनाइए भाई, ये डब्बा डब्बे डब्बे से ला, ये डस्टर पकड़े बेटा, जल्दी रफ्तार बनाओ। लिखने की स्पीड तेज रखो भाई। सूचना स्रोत, सूचना प्रेषित्र, प्रेषित्र सिग्नल, माध्यम या चैनल, अभिग्राही सिग्नल, अभिग्राही, उपयोगकर्ता और माध्यम में मिल जाएगा शोर। टीपो टीपो अक्षर अक्षर टीपना, एक अक्षर टीपना है ना, पहले मोटी मोटी चीज बना लो, ये तीर के ऊपर तो पिछले के लिए फिर लिख लेना। सूचना स्रोत, प्रेषित्र, माध्यम, अभिग्राही, उपयोगकर्ता, अब बना लो उसके हिसाब से चीजें यार। एक नंबर का बड़े क्वेश्चन है ये, संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख, और काफी बात समझ में आ जाती है इसमें ना। बना लिया क्या? देख सोर का तीर ऊपर है नीचे, देख बोर्ड पे, देख बोर्ड पे, देख आंखों से देख। बना लिया होगा शायद, हेडिंग लिखे आप नेक्स्ट, संचार की विधियां, हेडिंग लिखे आप संचार की विधियां, और एक नंबर हेडिंग डालें इसके अंदर, बिंदु से बिंदु संचार। पहली हेडिंग लिखे साहब, बिंदु से बिंदु संचार, लिख लिया? बिंदु से बिंदु संचार लिखो। इस विधि में, इस विधि में एकल प्रेषित्र व एकल अभिग्राही होता है। इस विधि में एकल प्रेषित्र मतलब भेजने वाला सिंगल रहेगा भाई ना, एकल प्रेषित्र व एकल, अरे रो थोड़ा बहुत तो, अभिग्राही होता है। अभिग्राही होता है, क्लियर? एग्जाम्पल, टेलीफोन पर दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप। एग्जाम्पल लिखिए, टेलीफोन पर दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप। क्लियर? सेकंड,
प्रसारण विधि, दूसरी विधि लिखिए प्रसारण विधि, और परिभाषा में लिखो इसमें एकल प्रियक्षेत्र व अनेक अभिग्राही होते हैं। इसमें एकल प्रियक्षेत्र व अनेक अभिग्राही होते हैं। एग्जाम्पल लिखें टेलीविजन तथा रेडियो पर कार्यक्रम प्रसारण, टेलीविजन तथा रेडियो पर कार्यक्रम प्रसारण। ठीक है, अरे यहां तक बात समझ में आई सबको? नेक्स्ट इसमें हेडिंग आती है, समझिए वापस, समझे ध्यान से, कॉपी किताब बंद करें और बोर्ड पर वापस से देखें सब। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग में से है, बिना सुकड़ बुकड़ की आवाज के ध्यान सुनना, मॉड्यूलन मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंगों में से है। मॉड्यूलन होता क्या है पहले अपन वो समझेंगे, कितने प्रकार का होता है और मॉड्यूलन करना क्यों जरूरी है, पूरी कहानी अपन इसके अंदर समझेंगे। अब इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, सुनना ध्यान से। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसको काफी ऊंची चढ़ाई पर चढ़ना है, ये समझिए आप, वैष्णो देवी गए हो आप लोग कभी? कोई, मैं सुनाता हूँ, सुनो, वैष्णो देवी का मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है और अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो वो इतनी ऊंचाई तक चढ़ने में सक्षम है? नहीं है। हमें अगर उस व्यक्ति को वैष्णो देवी के दर्शन करवाने हैं तो क्या करेंगे बताओ? वहाँ खच्चर होते हैं अक्सर ज़्यादा मात्रा में, खच्चर तो जानते होंगे आप। देखो गधे की क्वालिटी है कि गधा भारी वजन ढो सकता है पर चलेगा स्लो, है ना, और घोड़ा कम वजन सहन कर सकता है, दौड़ेगा तेज। दोनों को मिलाकर, गधे को और घोड़े को मिलाकर क्या प्राप्त हुआ? खच्चर। खच्चर में दोनों क्वालिटी हैं, तेज भी दौड़ेगा और वजन भी ढो सकता है ना। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति जो सक्षम नहीं है ऊंचाई तक चढ़ने के लिए, हम खच्चर लेते हैं और खच्चर पर उस बुजुर्ग व्यक्ति को बिठाते हैं, पर खच्चर कम से कम इतना मजबूत हो जो ऊपर तक चढ़ पाए, एक खच्चर में ही दम नहीं है तो वो उस बुजुर्ग को लेकर क्या चढ़ेगा? अरे हाँ या ना? सुनना ध्यान से, मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, मैंने ध्वनि संकेत मोबाइल में दिए, मोबाइल ने ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों बदला होगा, इनको बोलते हैं अपन मूल संकेत, तरंगनुमा आकृति में होते हैं, कई नाम हैं, सबसे सरल नाम है मूल संकेत। क्या नाम है भाई इसका? और इसको लिखते हैं अपन MT से, समय के रेस्पेक्ट में परिवर्तनशील है, इसको लिखा जाता है MT से। साथ में हमारा जो मूल संकेत है उसकी आवृत्ति बहुत कम है, एक्चुअल रीजन सुनना, मूल संकेत की आवृत्ति कैसी है? कम। कैसे पता चला आपको आवृत्ति कम है? फेरों की संख्या। देखो मेरे तरंग में एक ही फेरा बनाया है, हाँ या ना? किसी भी सिग्नल को अगर आपको संचार करवाना है, दूर तक भेजना है, तो आपको उच्च आवृत्ति पर भेजना होगा। क्यों? इसका रीजन मैं आज ही बताऊंगा आपको, अभी मॉडलन खत्म होने के बाद। तो आप थोड़ी देर के लिए याद कर लीजिए कि जब संकेत को दूर तक भेजना होता है तो निम्न आवृत्ति ठीक रहेगी कि उच्च आवृत्ति ठीक रहेगी? उच्च आवृत्ति। ये बात मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा।
पर ये सिग्नल उच्च आवृत्ति है कि निम्न आवृत्ति है? तो मैंने एक ऐसी तरंग काम में ली, पहली बात तो कैसी तरंग काम ली साहब, जिसकी आवृत्ति कैसी हो? उच्च। इसे बोलते हैं हम वाहक तरंग। क्या बोलते हैं? वाहक मतलब ले जाने वाला, इंग्लिश में कैरी वेव बोलते हैं, तो इसका प्रतीक हो जाएगा सीटी। ये दो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो वो बुढ़ा व्यक्ति है जिसे हमें ऊंचाई तक भेजना है, और ये वो खच्चर है जो ताकतवर है, जो ताकतवर है। तो हमने मूल संकेत लिया, हाँ या ना? मूल संकेत चूंकि निम्न आवृत्ति का है, दूर तक चल नहीं सकता, तो उसे पहुंचाने के लिए हमने हेल्प ली किसकी? वाहक तरंग की। और वाहक तरंग की पहचान उच्च आवृत्ति। क्या पहचान है? इन मूल संकेतों को किसके ऊपर डालना है? वाहक तरंग के ऊपर डालने की जो प्रक्रिया है ना, उसे क्या कहते हैं? मॉडुलन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक नंबर माने लायक। मॉडुलन क्या होता है? क्या होगा? मॉडुलन क्या होता है? तो आप परिभाषा बोल पाओगे क्या? मूल संकेतों को वाहक तरंग पर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया, ढालने की प्रक्रिया, बढ़ाने की प्रक्रिया, कुछ लिख देना। अरे जो बुजुर्ग व्यक्ति था ना, उसे खच्चर पर बैठाना क्या है? क्यों किया मॉडुलन आपने? मूल तरंग की आवृत्ति बहुत कम है, कम आवृत्ति पर सिग्नल आगे नहीं बढ़ सकता, उच्च आवृत्ति करनी पड़ेगी। तो मैंने कैरी वेव को यूज किया, कैरी वेव को यूज किया। तो मॉडुलन की परिभाषा आपको सबको समझ में आई भाई? जिसको ना आई हो हाथ खड़ा करके बेझिझक पूछ लेना। मेरे हिसाब से 2021 के पेपर में आनी चाहिए एक नंबर में। मॉडुलन क्या होता है, मॉडुलन क्या है, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा भाई। तो आपकी परिभाषा होगी कि मूल संकेतों को वाहक तरंग पर। दो नाम तो याद हो गए होंगे, मूल संकेत ले जाने वाली, वाहक बोलते हैं ले जाने वाले को, हिंदी का शब्द है। तो मूल संकेतों को वाहक तरंग पर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉडुलन कहलाती है। क्लियर है बात यहां तक? मॉडुलन तीन प्रकार का होता है, सुनना आप ध्यान से। सबसे पहला होगा आयाम मॉडुलन। क्या नाम है? इंग्लिश में बोलते हैं आयाम को एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, शॉर्ट में इसका नाम है AM। क्या नाम है साहब? तीन प्रकार का है। पहला कौन सा हुआ? आयाम मॉडुलन। तरंग में एक नाम आवृत्ति का भी सुना होगा आपने, तो दूसरा होगा साहब आवृत्ति मॉडुलन FM। क्या नाम है? फ्रिक्वेंसी मॉडुलन बोल करके ना। और तीसरा है कला मॉडुलन, कला मॉडुलन, फेज मॉडुलन यानी कि PM। ये तीन नाम समझ में आए कि नहीं आए पहले बताइए। अरे मॉडुलन की परिभाषा आपको समझ में आ गई? बनाना सिखाया आपको भाई, समझ में आ गई ना? मूल संकेतों को, मूल संकेतों को वाहक तरंग पर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया मॉडुलन कहलाती है। तीन प्रकार का होता है, आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन। बात करें आयाम मॉडुलन की, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत सरल परिभाषाएं इनकी भी एग्जाम में आ जाए। आयाम मॉडुलन क्या है सुनना, तरंग में तीन नाम है, आयाम आवृत्ति कला। एक बार में एक ही बदलेगा, अगर आयाम बदला तो आयाम मॉडुलन, आवृत्ति बदली मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आयाम मॉडुलन में क्या बदलेगा? आयाम, बची दो चीज कांस्टेंट रहेंगी, कौन कौन? आवृत्ति मॉडुलन में क्या बदलेगी? कौन कौन कांस्टेंट रहेंगी? और कला मॉडुलन में क्या बदलेगी? कला, बाकी दो चीज कांस्टेंट रहेंगी, हाँ या ना? जो भी बदलाव होगा, जैसे आयाम मॉडुलन में आयाम बदलेगा, आवृत्ति मॉडुलन में आवृत्ति बदलेगी, कला मॉडुलन में कला बदलेगी, ये बदलाव जो भी होगा वाहक तरंग में होगा। बदलाव किस में होगा और किसके अनुसार? अरे खच्चर बुड्ढे के अनुसार चलेगा कि बुड्ढा खच्चर के अनुसार चलेगा? चला तो बुड्ढा ही रहा है ना, जो बैठा है खच्चर पर वो ही तो चला रहा है ना। तो मतलब खच्चर, उस जो खच्चर बैठा है उसके अनुसार चलेगा कि वो ऊपर बैठा है जो खच्चर के अनुसार चलेगा?
अरे नकेल हाथ में तो खच्चर चलेगा ना भाई। बदलाव जो भी होगा बाहक तरंग में होगा, मूल तरंग के अनुसार। तो देखो एक एक परिभाषा सुनाता हूँ आपको मैं। सबसे पहले मैं आया मॉडलिंग की परिभाषा सुनाऊँ आपको, सुनना बहुत ध्यान से। मॉडुलन की वह प्रक्रिया, मॉडुलन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंग का आयाम, मॉडुलन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंग का आयाम मूल तरंग के अनुसार परिवर्तित होता है, जबकि आवृत्ति और कला नियत बनी रहती है, आयाम मॉडुलन कहलाता है। कितना सरल तरीका, नहीं आया? बोलने को आया मॉडुलन की परिभाषा। मॉडुलन की वह प्रक्रिया जिसमें बाहक तरंग का आयाम मूल तरंग के अनुसार बदलेगा, आवृत्ति कला कांस्टेंट रहेगी। अब तो आप आवृत्ति मॉडुलन भी बोल सकते हो। मॉडुलन की वह प्रक्रिया वाहक तरंग की आवृत्ति मूल तरंग के अनुसार परिवर्तित हो, आयाम कला कांस्टेंट बनी रहे। कला मॉडुलन, मॉडुलन की वह प्रक्रिया जिसमें, आराम से बोल पाएंगे तीनों परिभाषाओं को, हाँ या ना? इन तीनों के एक एक सुंदर सुंदर डायग्राम भी है, सुनना ध्यान से। पहले मैं बात करता हूं आयाम मॉडुलन की। ये तो मूल संकेत समझ में आ गया होगा, कम आवृत्ति ज्यादा आवृत्ति की बाहक तरंग। उल्टा मत बोल देना, कहीं से मूल तरंग बोल दो, इसे बाहक बोल दो, फिर तो ये हुआ कि एक जवान आदमी है जो मरे हुए खच्चर में बैठ के जा रहा है। अरे जो खुद पहुंचने में सक्षम है वो उस खच्चर को क्यों घसीटेगा भाई? समझ में आया ना? हाई फ्रिक्वेंसी पर ही होता है ये, मैं आपको अभी समझाऊंगा। एएम का डायग्राम कैसा होगा सुनना, ये 2020 का ही क्वेश्चन, 19 का है सॉरी, 2019 में आया था, एक नंबर का। आयाम मॉडुलन का चित्र बनाइए। देखो अभी आपने कहा कि आयाम मॉडुलन में क्या बदलेगा, आयाम, और चित्र में आयाम कहाँ होता है? शायद ये आयाम मेरे हिसाब से था ना, अभी तो आयाम बराबर है, पर अब आयाम बदलेगा किसका, किसके अनुसार है? देखो यहाँ छोटा सा आयाम है और इसका तो बड़ा आयाम है, ये कहेगा छोटा कर इस आयाम को भाई, छोटा हुआ है ना? देखो इसका आयाम धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ाओ और बढ़ाओ। क्या मैं चक्करों की संख्या चेंज कर रहा हूं क्या? नहीं कर रहा। आपको देखने में से लग रहा होगा इतने से ऊपर भी तीन है नीचे भी तीन है, मतलब मैं चक्कर नहीं बदलना चाह रहा, गैप चेंज नहीं कर रहा हूं, बस ये ऊंचाई चेंज कर रहा हूं। मान लो एक बार और बढ़ा चलो, अब ये हो गई मैक्सिमम सपोज, हाँ है ना? अब कम करना स्टार्ट कर दो, कम और कम, बिल्कुल कम, हाँ है ना? फिर बढ़ाना स्टार्ट कर दो, फिर कम करना स्टार्ट कर दो। कुछ मेरी बात समझ में आई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, हाँ या ना? ये डायग्राम बनता है किसका, एएम का। ऐसा डायग्राम आपसे मेरी गारंटी है नहीं बनेगा। क्या क्या सही है देखो, देखो आपको, आपको कैसे बनाना है। एक्चुअल तरीका ये था, आपसे नहीं बनेगा ये डायग्राम मुझे पता है, बिल्कुल अजीब गरीब बना दोगे आप। आपके लिए एक ट्रिक बताऊं, सुनना ध्यान से। किसका डायग्राम बनाना है अपने को, एम्पलीट्यूड मॉडुलन, सुनना ध्यान से, सुनना। कम से कम आप डैश डैश ऐसे तो डाल सकते हो ना, एक ऊपर से एक नीचे से फिर एक ऊपर से, ये तो डाल पाओगे शायद, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये लो पेन चलाना स्टार्ट करो, कब तक चलाना है पता है आपको, समझ गए होंगे? जब तक टच ना हो जाए इससे, हाँ या ना? गैप को बराबर रखते हुए अब आप इस तरीके से बड़ी आसानी से बना पाओगे शायद। गैप मैंने कांस्टेंट रखने का प्रयास किया है। तो ये डायग्राम बन के तैयार हुआ किसका, एम्पलीट्यूड मॉडुलन। कुछ खेल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मॉडलिंग परिभाषा आप समझ पाए, एक बार देख लें पूरा, फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा। दूसरा डायग्राम किसका बनाया साहब,
फ्रिक्वेंसी मॉडुलन का। फ्रिक्वेंसी मॉडुलन में परिभाषा याद है, भूल गए? एफएम की परिभाषा बोलना, मैं बोलता हूँ ना। मॉडुलन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंग की आवृत्ति मूल तरंग के अनुसार परिवर्तित हो, आवृत्ति मॉडुलन कहलाता है। आयाम और कला कांस्टेंट रहेंगी। अच्छा, क्या आयाम बदलूंगा क्या आपके बारे में? ऊंचाई फिक्स है, क्या बदलेगी? फेरों की संख्या। देखो सुनो, यहां तो फेरे नजदीक नजदीक दो आप, फेरे वो सात फेरे नहीं भाई, वो तो भगवान जाने तुम्हें से कितनों होंगे कितनों के नहीं होंगे। खैर यहां तो देख ही लो, सुनना, जो जो पढ़ लेगा उसके हो जाएंगे, जो नहीं पढ़ेगा वो दूसरों को देख के काम चलाना। आयाम चेंज नहीं करना है, आयाम चेंज नहीं करना। जितनी ऊंचाई है वो फिक्स, आप तो लाइन पर बनाओगे ना, एक लाइन ऊपर तक और एक लाइन नीचे तक, सही बन जाएगा। अभी तो क्लोज क्लोज बनाया ना मैंने इनको, पास पास बनाया ना भाई, और दूर बिल्कुल डिफरेंट ऐसा दिख रहा है क्या आपको वास्तव में? फिर पास बना दो। कैश डायग्राम में आप समझ पाए? आपको आयाम चेंज हुआ थोड़ा लग रहा है? नहीं है मतलब, नहीं क्या मैंने आपको ऐसा लग रहा हो? हाथ से बनाया, मिस्टेक हो भी जाती है क्या? आयाम नहीं बदला है, क्या बदली है? आवृत्ति। और नंबर तीसरा कौन सा है? पीएम। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर है। फेज मॉडुलन। एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, एफएम मतलब फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन, और पीएम मतलब फेज मॉडुलेशन। ना आयाम बदलेगा, ना आवृत्ति बदलेगी, बदलेगी कला। ये कला क्या होती है? कौन एंगल, एंगल मतलब देखो, उसमें कई तरीके से डायग्राम बन सकता है बनने को। तो यह जीरो से स्टार्ट मत करो, बात यह है। अगर जीरो से स्टार्ट करना है तो पहले ऊपर गया था ना, नीचे से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एंगल चेंज कर दिया ना मैंने, उतना ही तो गैप बराबर का और उतना ही आया। ये भाई साहब बन गया हमारा पीएम। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? क्या क्या पढ़ा है हमने? संचार व्यवस्था पढ़ी, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना काम में ली गई व्यवस्था संचार व्यवस्था कहलाती है। तीन मुख्य भाग होते हैं, प्रेषित माध्यम अभिग्राही, प्रेषित सूचना स्रोत से सूचना लेकर सिग्नलों में बदलकर माध्यम को देगा, माध्यम प्रेषित से लेगा अभिग्राही को देगा, अभिग्राही माध्यम से लेगा सूचना में बदलेगा और उपयोगकर्ता को देगा। हाँ या ना? इसके बाद हमने ब्लॉक आरेख पढ़ा उसका, सूचना स्रोत प्रेषित माध्यम अभिग्राही उपयोगकर्ता, शोर मिल जाएगा है ना। दो विधियाँ पढ़ी, पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्टिंग। पॉइंट टू पॉइंट में भेजने वाला एक, ग्रहण करने वाला एक, टेलीफोन एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। ब्रॉडकास्टिंग में भेजने वाला एक, ग्रहण करने वाले अनेक, सभा का संबोधन हुआ, अपनी क्लास हुई है, वगैरह वगैरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद अपने पढ़ा है मॉडुलन, ये तो पढ़ा है। तो मॉडुलन की परिभाषा आप सबको समझ में आ गई। मूल संकेतों को वाहक तरंग पर अधर्भित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कितने प्रकार का भाई? तीन चीज़ें, आयाम आवृत्ति कला। एक बदलेगी, दो कॉन्स्टेंट रहेंगी। इस आधार पर तीन प्रकार से होगा मॉडुलन, आयाम आवृत्ति और कला। आयाम मॉडुलन में बहुत से को तो नींद आने लग गई होगी मतलब ना, देखो सो गया पीछे, सुन जगह 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 जग जाते, सो नहीं रहा होगा है ना, सो रहा है, जग रहा, खड़ा हो गया देख, सो रहा है, जग रहा है, ईमान देखो सो रहा है, जग रहा है, इसका पड़ोस खड़ा होना भाई, सो रहा था, जग रहा था, ये सो रहा था। मतलब तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुम 200 बच्चे बैठे हो, मतलब भाई मास्टर पहचान नहीं पाएगा कौन जग रहा है कौन सो रहा है, तो गलत फहमी आपको। जग रहा था तो है, रात में कोई चौकीदारी करता है? अरे रात में चौकीदारी करता है तो कुछ बोल है, क्या कह रहा है, आवाज नहीं आई, होमवर्क करता है। क्लास में सोकर घर पे होमवर्क करता है, वेरी गुड। शर्म कर थोड़ी बहुत,
बैठ जा, मुंह धो क्या, पहले चल मुंह धो क्या, खड़ा हो खड़ा खड़ा हो खड़ा हो, मुंह धो क्या जा, अरे फिर सो जाएगा तो मुझे पता है, खड़ा हो खड़ा कर, सो खड़ा कर खड़ा, अरे खड़ा हो जा, मुंह धो क्या, चल देखे भाई इसको नोट कर लो एक बार, ऐसा कर हेडिंग लिखिए मॉडुलन, अरे आवाज नहीं भाई, हेडिंग लिखे आप मॉडुलन, और मॉडुलन में लिखिए मूल संकेतों को वाहक तरंग पर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया मॉडुलन कहलाती है। मूल संकेतों को थोड़ा रफ्तार में लिखें, मूल संकेतों को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया मॉडुलन कहलाती है। मूल संकेतों को वाहक तरंगों पर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया मॉडुलन कहलाती है। लाइन चेंज करें, मॉडुलन निम्न तीन प्रकार का होता है। भाई मॉडुलन करने के लिए एक नए गुण तो आपको चेंज करना होगा, है ना। मॉडुलन तीन प्रकार का होता है, और पहली हेडिंग लिखें आप आयाम मॉडुलन, ब्रैकेट में कैपिटल ए और कैपिटल एम। पहला है आयाम मॉडुलन ए एम, लिखिए मॉडुलन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंग का आयाम, मॉडुलन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंग का आयाम मूल तरंग के अनुसार परिवर्तित हो। मॉडुलन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंग का आयाम मूल तरंग के अनुसार परिवर्तित हो, जबकि आवृत्ति और कला नियत रहें, आवृत्ति व कला नियत रहें, आयाम मॉडुलन कहलाता है। ये डायग्राम बनाना, जगह छोड़ दो अभी, बना लें थोड़ी देर बाद, केवल सिंगल ये डायग्राम देख लो विद्वानों के, तुम पता नहीं क्या क्या बनाओगे फिर। ये जो एम लिखा हुआ है ना, इस डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो केवल, और हेडिंग लगाओ नंबर दो आवृत्ति मॉडुलन एफएम, केवल एएम वाला डायग्राम बनाना है। नंबर दूसरी हेडिंग लगाइए आप आवृत्ति मॉडुलन एफएम, आवृत्ति मॉडुलन एफएम, और लिखिए मॉडुलन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंग की आवृत्ति मूल संकेत के अनुसार परिवर्तित हो, जबकि आयाम व कला नियत रहें। मॉडुलन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंग की आवृत्ति मूल संकेत के अनुसार परिवर्तित हो, जबकि आयाम और कला नियत रहें, आवृत्ति मॉडुलन कहलाता है। अब इसमें डायग्राम कौन सा बनाना है आप समझ गए होंगे शायद, आवृत्ति मॉडुलन का बनाना दूसरा नंबर, जगह छोड़कर हेडिंग लिखें तीसरी कला मॉडुलन। परिभाषा बना सकते हैं क्या, परिभाषा बनाओ जल्दी से, कला मॉडुलन
मॉडलन की वह प्रक्रिया जिसमें बाहक तरंग की कला मूल तरंग के अनुसार परिवर्तित हो, जबकि आयाम व आवृत्ति नियत रहे, कला मॉडलन कहलाता है। मॉडलन की वह प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंग की कला मूल संकेतों के अनुसार परिवर्तित हो, जबकि आयाम व आवृत्ति नियत रहें, आवृत्ति मॉडलन कहलाता है। हाँ, जो भी है, जो समय मॉडलन है, देख लो ना, तीनों के डायग्राम बन जाएंगे। अरे अभी बना लेना है ना, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा मेरा हल्का सा, और नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, बस टाइम होने वाला होगा शायद ना, हेडिंग लगाइए नेक्स्ट आप, मॉडुलन की आवश्यकता के कारण क्या जरूरत पड़ी आपको मॉडुलन की। अरे आवाज नहीं भाई, मॉडुलन की आवश्यकता के कारण, मॉडुलन की आवश्यकता के कारण, देखें ध्यान से आप, सुनिए समझिए। अभी तीनों डायग्राम आप बाद में बना लेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, पहले कारण समझें। मैंने आपको एक ही बात समझा दी कि निम्न आवृत्ति पर कम्युनिकेशन संभव नहीं है, हमेशा उच्च आवृत्ति पर ही संभव है। क्यों? बस यही बात मुझे अब समझानी है, ध्यान से देखना आप, पहला पॉइंट सुनिए ध्यान से। ये बताओ, कोई भी सूचना आपको भेजनी है तो उसके लिए आपको एंटीना की जरूरत तो पड़ेगी। मोबाइलों के बड़े बड़े टावर आपने देखे होंगे, घरों में डिश लगी होती है, उसका भी तो एंटीना होता है, डिश एंड छतरी एंटीना तो है। गाड़ी में अपन FM सुनते हैं तो गाड़ी के ऊपर भी एक एंटीना से लगा होता है। XYZ कोई भी डिवाइस देखो जो सिग्नल ले रही है दे रही हो, उसके लिए जरूरत पड़ती है किसकी, एंटीना। मतलब बिना एंटीना के, पहली हेडिंग तो है वैसे, एंटीना या फिर इसको अपन एरियल भी कहते हैं, का आकार, क्या हेडेंगे साहब, एंटीना या एरियल का आकार। सुन लो थोड़ा सा, कोई भी सूचना भेजनी हो आपको, क्या उसके लिए एंटीना की जरूरत होगी, हाँ या ना? अब आपने एंटीना भी अलग अलग लंबाई के देखे होंगे, चलो कल पढ़ेंगे, वो डायग्राम बना लो, है ना, और ये हेडिंग डाल लेना, मॉडलन की आवश्यकता के कारण, और पहला कारण मैंने आपको बता दिया, ठीक है, हटना भाई।